दोस्तों गुजरात और लखनऊ के बीच खेले गए मुकाबले में हमें बड़ा ड्रामा देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आज इकाना के मैदान पर गुजरात और लखनऊ के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें हमें रोमांस, थ्रिल, ड्रामा और सब कुछ देखने को मिला। जहां इस मैच के अंतिम ओवर में लखनऊ को 6 गेंदों पर 12 रनों की दरकरार थी और गेंदबाजी करा रहे मोहित शर्मा को केएल राहुल ने पहली गेंद पर 2 रन ले लिए, लेकिन अगली गेंद पर वो जयंत यादव के हाथों कैच आउट हो गए। अब लखनऊ को 4 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत थी और बल्लेबाजी करने आए स्टोइनिस भी ओवर की तीसरी गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए और अगली गेंद पर 2 रन लेने के चक्कर में आयुष बदोनी भी रन आउट होकर पवेलियन चलते बने। अब 2 गेंदों में चाहिए थे 9 रन और बल्लेबाजी करने उतरे हुड्डा भी 2 रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए और गुजरात की टीम ने बैक टू बैक 4 विकेट लेकर लखनऊ का सूपड़ा साफ कर दिया और आखिरी गेंद पर रवि बिश्नोई कुछ नहीं कर पाए और गुजरात ने यह मुकाबला 8 रनों से अपने नाम कर लिया।